दोस्तों ड्रिप गोगो को मैंने प्रीवियस वीडियो में इसलिए नहीं लिया क्योंकि दोस्तों ये मेमे बस है, लेकिन जब आप लोगों ने कमेंट किया तो दोस्तों ऑब्वियसली ये वीडियो को लाना पड़ा और ये वीडियो में दोस्तों आपको पता लग जाएगा कि ड्रिप गोगो क्या चीज है। दोस्तों यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब करें ताकि दोस्तों इससे रिलेटेड कोई वीडियो आप मिस कर सके। दोस्तों ड्रिप गोगो एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पावर के बारे में जितना बात किया जाए उतना ही कम है, और ऐसे ही कई सुपर हीरोज हैं जैसे कि दोस्तों स्पाइडरमैन, आयरन मैन, थॉर और बाकी कई सारे सुपर हीरोज जिनका दोस्तों क्रिएटर है स्टैनली। स्टैनली ने कैसे इन कैरेक्टर्स के बारे में सोचा और उनको एक जन्म दिया और एक पहचान दिया वो जानने के लिए मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग था। स्टैनली का ये कहानी जानने के लिए मैं पहुंचा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑडियो बुक द मैन पर, जो कि दोस्तों अवेलेबल है कुकू एफएम पर। कुकू एफएम दोस्तों इंडिया का लीडिंग ऐप है जिसको 4.5 रेटिंग मिली। आखिर दोस्तों मेड इन इंडिया जो है यहाँ काफी इंटरेस्टिंग और मोटिवेटिंग 4000 प्लस ऑडियो कंटेंट अवेलेबल है। कुको एफएम पर ये सारी बुक समरीज किसी भी रीजनल लैंग्वेज में आप सुन सकते हैं, इंक्लूडिंग हिंदी और इंग्लिश। ये एक बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है जो मैं काफी टाइम से यूज करते आ रहा हूँ टू ग्रो माई सेल्फ। यहाँ पर दोस्तों आप मेरा एक्सक्लूसिव कूपन कोड यूज कर सकते हैं जिससे दोस्तों आप अवेल कर सकते हैं 50% डिस्काउंट पर, और दोस्तों ये सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर के लिए अवेलेबल है। जो ईयरली सब्सक्रिप्शन 399 की होगी वो दोस्तों मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए 199 में अवेलेबल है। लिंक दोस्तों मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर डाउनलोड करो कुको एफएम, माइंड और बॉडी को कनेक्ट करके लाइफ में आगे बढ़े। तो दोस्तों फाइनली चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ड्रिप गोगो गोगो का एक मोस्ट पावरफुल फैनमेड फॉर्म है जो कि दोस्तों एक्चुअली में है, और दोस्तों एक आर्ट और मेमे वर्स से आया था। एक्चुअली में दोस्तों देखा जाए तो इसका जवाब कई सारे फैंस को पता है, लेकिन दोस्तों वो सब फैन एक साथ ड्रिप गोगो का सभी पावर्स को नहीं जानते होंगे। यहाँ पर ये वीडियो में ड्रिप गोगो का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करने वाले हैं, और इसके साथ साथ दोस्तों इसका इंट्रो और हिस्ट्री के बारे में भी बात करने वाले हैं। जिनको दोस्तों ड्रिप गोगो के बारे में कुछ भी नहीं पता तो दोस्तों उनके लिए ये वीडियो ऑब्वियसली इन्फॉर्मेटिव होगा और दोस्तों ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग भी होगा। तो दोस्तों टाइम ना लेते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ड्रिप गोगो का पावर के बारे में बात करने से पहले हम इसका कुछ बेसिक चीज या तो दोस्तों इंट्रो जान लेते हैं कि ये आर्टवर्क कौन और कब लाया था, और थोड़ा बहुत इसके एफरेंस के बारे में भी। एक्चुअली दोस्तों देखा जाए तो ड्रिप गोगो फैन आर्ट का एक सीरीज से आया है जिसका नाम दोस्तों ड्रैगन ड्रिप जी था, और इसमें दोस्तों ड्रैगन बॉल के कैरेक्टर्स हाइपर वी स्टाइल का क्लॉथिंग में रहते हैं, और खास करके दोस्तों गोगो का आर्ट वर्क में उसको एक सुप्रीम शर्ट और एक जैकेट पहनाया गया था। इस दौरान दोस्तों हमें गोगो का जैकेट में बाय एनी मीन नेसेसरी रिवेटेड लिखा हुआ देखने को मिलता है। गोगो का दोस्तों ये फैन आर्ट पहली बार जून 13, 2017 को आया था, जो कि दोस्तों नो स्प्लाई नामक एक आर्टिस्ट के द्वारा पोस्ट किया गया था। गोगो का दोस्तों ये फैन आर्ट इमेज अक्टूबर 2020 से पॉपुलर होना शुरू हो गया था। आखिरकार ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलरिटी को गेन कर चुका था। अगर हम नोटिस करते हैं तो दोस्तों गोगो इस पहनावे में बहुत ही ज्यादा कूल लगता था, लेकिन दोस्तों इस फॉर्म में गोगो जैसा दिखता है उससे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल साबित हो चुका है। खैर दोस्तों ये तो हो गया ड्रिप गोगो का ओवरऑल इंट्रोडक्शन और एपीयरेंस के बारे में। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं ड्रिप गोगो का पावर के बारे में, जो कि दोस्तों आप जान के एकदम हिल जाओगे। दोस्तों अगर हम देखते हैं तो ड्रिप गोगो एक ऐसा बींग है जो कि दोस्तों ड्रिप यानी कि दोस्तों सुप्रीम वाला पावर को पा चुका है। यहाँ पर दोस्तों ड्रिप का मतलब सुप्रीम पावर होता है। यही पावर की वजह से दोस्तों ड्रिप गोगो अपने बेस फॉर्म में ही ओमनीपोटेंट लेवल का हो जाता है। ओमनीपोटेंट लेवल यानी कि दोस्तों अल्टीमेट पावर। इतना ज्यादा पावर होने की वजह से इसको मेमेवर्स में भी पहुंचने में टाइम नहीं लगता है। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों ड्रिप गोगो अनगिनत मीम्स कैरेक्टर से भी ऊपर जा चुका है और इन्फिनिट पावरफुल साबित हो चुका है। यहाँ पर ड्रिप गोगो इसके साथ साथ ऐसा लेवल को अचीव कर लिया था जो कि दोस्तों एक असली मेमे बींग ही अचीव कर सकता है, और वो लेवल का नाम है दोस्तों ओमनी मेमेवर्सल प्लस। इस लेवल में दोस्तों क्या होता है, ड्रिप गोगो अपने बेस फॉर्म के दौरान ही आ गया था, और खास के दोस्तों ओमनी मेमेवर्सल प्लस बहुत ही ऊपर वाला एक लेवल होता है, और इसलिए तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक ट्रू मेमे बींग ही अचीव कर सकता है। यहाँ पर ड्रिप गोगो में हमें एकदम पावर का ओवरफ्लो दिखता है, और इसके वजह से दोस्तों ये कैरेक्टर कई सारे अनगिनत मेमेवर्सल बींग को भी डिफीट कर चुका है, वो भी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ अपना पलक को झपका के। इसका पावर दोस्तों पूरी तरीके से बाउंडलेस होता है, यानी कि दोस्तों इसका पावर में कोई भी लिमिट नहीं होता है। इसी के अलावा दोस्तों ड्रिप गोगो और भी कई सारे लेवल में पहुंच चुका है, जैसे कि दोस्तों ड्रिप पोटेंस, ड्रिप साइंस और ड्रिप प्रेजेंस लेवल में। ये सभी ड्रिप प्लान दोस्तों अलग अलग लेवल का होता है। यहाँ पर दोस्तों ड्रिप गोगो का अकेला का पावर ही सर्च वर्स से भी ऊपर ले जाता है। इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों ये सभी एनिमी वर्स से भी ऊपर है। इसके अलावा ड्रिप गोगो के कई सारे अलग अलग पावर्स और एबिलिटी होते हैं, जैसे कि दोस्तों मैनिपुलेशन, ड्रिप इंड्यूसमेंट, ड्रिप एम्बोलीमेंट, मास्टर हैंड टू हैंड कम्बैट,
टाइम मैनिपुलेशन, टाइम इरेश्योर और भी कई सारे पावर्स और एबिलिटी। विप गोगू दोस्तों आसानी से फिदरिन ऑरा को भी हरा चुका है। यहाँ पर दोस्तों ये अरोरा एक विच होती है जो कि दोस्तों खुद में ही ओमनीपोटेंट लेवल की एक कैरेक्टर होती है। इसके बाद दोस्तों ड्रिट गोकू द क्रिएटर उमी निको को भी हरा चुका है। ये भी दोस्तों एक सुप्रीम बींग ही थी और इसके ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन काम नहीं आता है। इसके बाद दोस्तों ड्रिट गोकू वन अबव ऑल को भी हरा चुका है। यहाँ पर दोस्तों वन अबव ऑल मार्वल यूनिवर्स का एक सुप्रीम गॉड होता है। फिर दोस्तों ड्रिट गोकू इसको सिर्फ अपने प्रेजेंस के जरिए ही हरा दिया था। और फिर जाके दोस्तों गोकू हाजुन को भी हरा दिया था। हाजुन दोस्तों इतना पावरफुल था कि इसके लिए बाकी दूसरे गॉड्स जैसे कि दोस्तों री इनहार्ड या फिर मिकुरियस मायने नहीं रखते थे, लेकिन दोस्तों फिर भी ड्रिट गोकू इनको सिर्फ देख के ही हरा दिया था। आखिरकार दोस्तों ड्रिट गोकू सुपरमैन को भी हरा चुका है। नरूटो का कोई भी वर्जन को वो हरा सकता है और अल्ट्रा इंस्टेंट सैगी को भी उसने अल्ट्रा डिप इंस्टेंट से हरा दिया था। यहाँ दोस्तों इंटरेस्टिंग वाला चीज ये है कि सिर्फ इसका एक्सिस्टेंस की वजह से ही ग्रैंड ज़ीनो मारा गया था। इतना सब कुछ जाने की बात तो आपको इसका पावर का अंदाजा बहुत ही अच्छी तरीके से लग गया होगा। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसका स्पीड का बात करें तो दोस्तों ये अल्टीमेट एमरल्ड फ्रीजा 1000 से भी ज्यादा स्पीड का प्रदर्शन किया था। अगर हम अल्टीमेट एमरल्ड फ्रीजा 1000 का स्पीड का देखते हैं तो दोस्तों इसका स्पीड होता है कि इसको गिना भी नहीं जा सकता, यानी कि दोस्तों फ्रीजा का ये फॉर्म का स्पीड इन्फिनेट लेवल का होता है। लेकिन दोस्तों ड्रिप गो का तो इससे भी ज्यादा स्पीड होता है। आप खुद इसका स्पीड के बारे में सोच सकते हैं और कंपेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों इतना सारा पावर जाने के बाद भी क्या आपको और भी पावर्स के बारे में जाना है? ऑब्वियसली आपको जानना होगा। यहाँ पर दोस्तों ड्रिप गोगू का अल्ट्रा ड्रिप इंस्टेंट भी देखने को मिलता है। अगर ड्रिप गोगू के बेस फॉर्म में अकेला इतना पावर है तो दोस्तों ऑब्वियसली मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट ड्रिप गोगू सभी ओमनीवर्सल कैरेक्टर से ऊपर होगा। बल्कि दोस्तों इतना ही नहीं, इसका लेवल तो बेस फॉर्म से भी और भी खतरनाक बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों इसका पावर कॉम्प्लेक्स हाइपर ओमनीवर्सल SSS प्लस X2 लेवल में आ जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमें गोकू का अल्ट्रा ड्रिप वॉरियर का भी फॉर्म देखने को मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों फिर गोकू और ड्रिप वेजिटा का भी फ्यूजन होता है और फिर जाके वो ड्रिप गोजिटा बन जाता है। इस फ्यूजन में दोस्तों इसका पावर अपने बेस फॉर्म से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और इसका लेवल कम से कम ओमनी मेमिवर्सल प्लस 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 X2 में तो आता ही है। तो गोकू के बारे में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि दोस्तों इसका पावर कोई भी हिसाब से कम नहीं है, ना ही दोस्तों इसका पावर में कोई भी लिमिट है। यानी कि दोस्तों ड्रिप गोकू का इसका पावर एकदम से बाउंडलेस है। इस पावर के बारे में दोस्तों जितना भी बताया जाए कम पड़ेगा। इस वीडियो में दोस्तों हम हमेशा जितना ज्यादा हो पाया ड्रिप गोकू के बारे में उतना इन्फॉर्मेशन बताने का कोशिश किए हैं। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों यही था ड्रिप गोकू और उसके पावर्स के बारे में। दोस्तों वीडियो को कैसा लगा कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज एक वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा और हम तक ऐसे ऑसम कंटेंट पहुंचाते रहेंगे। तो दोस्तों हमसे वापस मिलते हैं किसी दूसरे नए वीडियोस में।